ये है मशहूर सिंगर मिलिंद गाबा और यहाँ है जानी मानी अदाकारा और टिकटॉक वीडियो स्पेशलिस्ट जन्नत जुबैर रहमानी। यहाँ दोनों एक खास मौके के लिए मौजूद हैं। ये खास मौका है मिलिंद गाबा की नई म्यूजिक वीडियो लॉन्च का। इस म्यूजिक वीडियो का नाम है जिंदगी दी पौड़ी, जिसमें मिलिंद के साथ जन्नत जुबैर भी हैं। पर दोनों का ये संगठन कैसे हुआ, आइए जानते हैं इनसे। डैडी को कॉल आया था और मुझे तुम बताया गया था कि मिलिंद गाबा का नया गाना आ रहा है और इंडिया में शूट है और जाना पता था। और ऑफ कोर्स मैं बहुत एक्साइटेड थी, जैसे मैंने कहा कि मैं पहले से ही इनके बहुत सारे गाने सुनती थी, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। तब तक गाना नहीं सुना था और ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई गाना डैडी ने हाँ बोला है बिना गाना सुने। मतलब मैं तो शौक मेरे कहा आपने हाँ भी बोल दी, तो मतलब इतना श्योर थे ना वो कि उसका गाना है तो भाई डाउट ही नहीं कि अच्छा नहीं होगा। तो इतना मतलब 100% एकदम आग बंद करके भरोसा था। तो बस ऐसे ही फटाफट फटाफट सब हो गया और हम अच्छे से शूट करके भी आ गए इतनी ठंडी में। आइए जरा इस सिंगर से भी पूछ लेते हैं कि इस गाने की शुरुआत कैसे हुई। मैंने गाना नहीं लिखा, गाना लिखा है निर्माण ने, जिसने मैं देखा तेरी फोटो वो वाला गाना लिखा। तो निर्माण इज माई वेरी गुड फ्रेंड और मैं इस गाना भी बताता हूँ मुझे कैसे मिला। निर्माण ने गाना लिखा था किसी और के लिए और हम गए थे अगेन टी सीरीज का एक गाना था गोरा रंग करके, गोरा रंग शूट करने गए थे हम जॉर्जिया और वहाँ पे हमने कर ली पार्टी। तो अब निर्माण जी फ्लाइट पे उड़ चुके थे, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो तो मैंने कहा कि तुम मेरे भाई हो, भाई मैंने कहा मैं मांगू कुछ दोगे, मैंने कहा हाँ, कह रहे हाँ दूंगा। तो मैंने कहा गाना मेरा हुआ, तो सुबह उठ के वो रो रहा था कि यार मैंने क्या प्रॉमिस कर दिया। तो दैट्स हाउ आई स्टोल द सॉन्ग एंड लिखा था यार, मेरी डेस्टिनी में लिखा था इतना अच्छा गाना होना और इतना अच्छा गाना बनाना। तो या उसने लिखा गाना। दरअसल एक खास गाना विदेश में फिल्माया गया है, जहां इस वीडियो के इन कलाकारों की माने तो इन्हें कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। मैंने एक गाने से पहले कुछ वन मिनट इज अबाउट जिंदगी की पौड़ी डालना शुरू किया यूट्यूब पे। तो उसमें मैंने अपना डाला कि हाउ व्हाट वाज द एक्सपीरियंस। एक्चुअली एक्सपीरियंस यही था कि हम 5 दिन आर्मेनिया में गए थे और हमने 3 दिन शूट करना था और 2 दिन जैसे होता है ना दिल्ली वाले पार्टी करते हैं, तो 2 दिन पहले पार्टी तो कर ली और दूसरी रात को हमें पता चला कि तीसरे दिन का जहाँ से हमने शूट शुरू करना है अगले दिन से, वेदर ही बहुत डायनामिक है, कभी बारिश हो रही है कभी स्नोफॉल हो रही है। तो जो हमने सेट बना रखा था, जो भी हॉस्पिटल देख रहे हैं आप इसका पूरा सेट बना रखा था हमने, तो वो सब रुइन हो गया था बारिश के चक्कर में। और सारे आई स्वेयर ऑन माई गॉड, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हम सारे रो रहे थे। मतलब मैं सेठी बाजी शाबी जिसने वीडियो इतनी अच्छी तरह डायरेक्ट की, आशीष, हम सारे लिटरली वी वर क्राइंग कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। बट वो देख रहा होता यार, वो उसने कहीं और लेके जाना था हमें। तो देख हम मैन कि उसने कहा कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक विलेज है, वहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन है। तो वी जस्ट गैम्बल्ड एंड वी गॉट देयर, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। मतलब उम्मीद से दुगना हमें देखने को मिल रहा था। और आप कैनवास देखिए, आप लैंडस्केप देखिए, इट्स वास्ट। आई थिंक वो जो होना होता है ना, जहाँ जहाँ लिखा होता है वहीं वहीं हो जाता है। 2 दिन पहले ही रिलीज हुए इस गाने ने अभी तक 1,70,00,000 व्यूज पार कर दिए हैं। वहीं बीते दिन से टी सीरीज का ये म्यूजिक वीडियो नंबर 1 ट्रेंडिंग पर भी चल रहा है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।